नमस्कार, आपका कैमरा मेरे सामने मुझमें गुदगुदी चला रहा है। आप सोचेंगे कि क्या बच्चों जैसी बात कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसी घटना हो जो बच्चे, बड़े, छोटे, पुरुष, महिला सबके मन में खुशखुशी ला दे, खुशी ला दे, आनंद बना दे, तो उसको आप क्या कहेंगे? क्या गुदगुदी केवल बच्चों के शरीर में ही होती है? गुदगुदी तो सभी के शरीर में होती है। मैं आपको इसलिए मुहावरे से या इस तरह से बात को रख रहा हूं क्योंकि जो बच्चे आज अभय प्रशाल के हॉल में खेल रहे हैं वो सारे बच्चे पहली बार देश विदेशों से यहां खेलने आए हैं। उनकी उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं है पर उनको टेबल टेनिस का और संगठन, विश्व संगठन तैयार कर रहा है कि वे टेबल टेनिस को बहुत अच्छी तरह से खेल सकें और दुनिया के मैदान में जीतने के लिए उतर सकें। बात आपको शायद अटपटी लगे क्योंकि हमारे यहाँ खेलों को जिस तरह से देखा जाता है और खिलाड़ियों को जिस तरह से तैयार किया जाता है वो कुछ ऐसा होता है कि खिलाड़ी इतनी तरीके से तैयार नहीं हो पाते हैं कि अगर दुनिया के मैदान में, खेल के मैदान में उनको भेजा जाए तो हम अपने घर में ये विश्वास कर सकें ये लोग तो जीत के ही आएंगे। पर टेबल टेनिस के संगठन ने इस ध्यान को अपने में ढाला है। ये बच्चे जो खेल रहे हैं वो जितने देशों से आए हैं उसका विवरण तो आपने और भी लोगों के साथ सुना होगा, पर उनको इस तरह से खेलते हुए देखना और वो क्या क्या साधन लेकर के यहाँ आए हैं ये जानना हमको अपने नींद से उठाता है। हमको बताता है कि भारत में अगर खिलाड़ियों को तैयार करना है तो वो कैसे तैयार करें। उसका एक विवरण मैं आपके सामने रखता हूँ कि वे जिस देश से आए हैं उस देश में उनको खेल सिखाने वाले अर्थात टेबल टेनिस सिखाने वाले कोच उनके साथ आए हैं, तो न केवल बच्चे सीख रहे हैं पर वैश्विक स्तर पर उन खिलाड़ियों को तैयार करने की जवाबदारी भी लेकर के उनके कोच आए हैं कि वो जब यहाँ से जाएं तो ये कह सकें कि हम जहाँ गए थे वहाँ से हम सीख के आए हैं। अब आपको ये सवाल मन में आ सकता है कि ऐसी कौन सी जगह गए जहाँ इतनी आसानी से उनको सीखने को मिला। अगर मैं कहना चाहूँ तो मिनट, घंटे और दिन भर तक उसका विवरण बता सकता हूँ पर वो मैं कर नहीं रहा हूँ। सोचिए आप कि उनका कोच उनके साथ है, वो जब यहाँ आए तो उनको लगे कि अभय प्रशाल जैसा कोई स्थान हमने अभी अपने देश को छोड़ करके कहीं देखा नहीं है। जिस तरह से आपने टेबल टेनिस को आगे बढ़ाने के लिए संस्थान बनाया है उस संस्थान में सब सुविधाएं हैं। इन सब सुविधाओं को लेकर हमको ये लगा कि हम मानो अपने घर आ गए हैं। हमको लग नहीं रहा है कि हम किसी ऐसे देश में गए हैं जहां हमारा मन नहीं लग रहा है, जहां हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जहां हमें वो भोजन नहीं मिल रहा है, जहां हमें, हम जब खेल से बाहर आते हैं, खेल के मैदान से बाहर आते हैं तो हमको ये नहीं लग रहा है कि हमने थोड़ा बहुत घूमा फिरा नहीं है, हमको घूमने फिरने की जगह मिल रही है, हमको बेहतर स्थान मिल रहा है, ऐसा कमरा मिल रहा है कि जिसमें हमको कोई शिकायत नहीं है। अतः हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम यहाँ से जो सीख के जाएंगे उससे हम विश्व के स्तर पर कुछ न कुछ टेबल टेनिस में नया कर पाएंगे। और जब हम नया कर पाएंगे तो हमको ये भी लगता है कि यहाँ के बच्चे खेलते वक्त जब हमको देख रहे हैं तो उनके मन में ये आ रहा है कि हम टेबल टेनिस के अच्छे खिलाड़ी कैसे बन सकते हैं। अभय प्रशाल के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, इंदौर के निवासी होने के नाते आप उसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। आप जानते हैं केवल इतना नहीं पर टेबल टेनिस ने यहाँ इंदौर में पिछले कुछ वर्षों में इतनी प्रतिस्पर्धाएं की हैं कि सारी दुनिया तो नहीं पर दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में एक ऐसी जगह है टेबल टेनिस का, एक ऐसा कक्ष है
या टिबेटियंस का एक ऐसा हॉल है जहां जाकर के हम जब अपने आप को तैयार करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। और खेल में अगर विश्वास बढ़ जाए तो जीत हार छोटे विश्वास होते हैं, छोटी पहल होती है। क्योंकि खेल में हम नहीं जीते तो भी जीतने के लिए मन करता है, और हम जीत गए तो भी अपने आप को खुशी से भर देता है। हम खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, हम उस व्यवहार में ये शहद डालना चाहते हैं कि जब हिंदुस्तान का किसी भी खेल का कोई भी खिलाड़ी अपने खेल की बात करे तो उसको लगे कि मेरे पास ऐसे साधन हैं जो अभय प्रशाल के पास हैं। अभय प्रशाल मध्य प्रदेश की सरकार के सहयोग से, उनकी ओर से दिए गए स्थान से, उनकी ओर से दिए गए साधन से, मैं साधन इसलिए कहता हूँ कि सरकार कुछ साधन तो हमको देता ही है, पर इंदौर के नागरिकों ने और भारत के तिब्बतनी संगठन ने जिस तरह से अभय प्रशाल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की है, आप पाएंगे, आपने देखा होगा, जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी लिखा जा रहा है, उसमें जो बातें हैं वो किस तरह से आपको भी वैसी ही गुदगुदी और वैसे ही विचार देते हैं जैसे मुझे मिले हैं।